55 and total students. Yes, ma'am. जी मैंने एग्जांपल ओपन की, यही सही है, इससे पीछे से रहता था। यही मैम करनी है आज जी, यही आज करनी, यही मैम करनी, स्टार्ट करना है। आवाज कट रही है, आवाज मेरी कट के आ रही है, ठीक आ रही है? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर टू हमारे पास क्या है? अभी पीछे हमने सारा रिमानियन सम जो है वो डिस्कस कर लिया। इवैल्यूएट द रिमानियन सम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स, टेकिंग द सैंपल पॉइंट्स टू बी राइट एंड पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स जो हमने लेने हैं वो राइट एंड पॉइंट्स लेने हैं। And a is equal to 0, b is equal to 3 and n is equal to 6 given है हमारे पास। function given है, हमने उस function का Riemannian sum जो है वो find out करना है right hand points को लेते हुए। b हमारे पास part क्या है? evaluate करना है हमने Riemannian sum को। find करने के बाद हमने फिर integral, definite integral जो है वो find out करना है। function again हमारे पास वही है, limit 0 से 3 है। So, solution की तरफ आते हैं। with n is equal to 6, the interval width is, width हमारे पास b minus a over n होती है। b हमें given दिया है 3, a हमें given दिया है 0 और 6 है तो 1 by 2 है। means जो rectangles हम draw करेंगे n is equal to 6 के लिए हर एक की width जो है वो हमारे पास 1 by 2 है। and the right end points are, right end points की अगर हम बात करते हैं, n b a जो है वो 0 से 3 पे जा रहा है। तो 0 से 3 के दरमियान अगर आप n को 6 लेते हो तो जो आपके देखेंगे आप यहाँ पे 0 से 3 के दरमियान, तो हमारे पास जो इंटरवल, सब इंटरवल्स जो है वो बनेंगे, वो 0 से 0.5 बनेगा, 0.5 से 1 बनेगा, 1 से 1.5 बनेगा। यू कैन सी दैट अगर इफ यू टेकिंग 0 से 0.5, एक मिनट कॉल आ रही है, अटेंड करूँ फिर मैं बात करती हूँ। जी बेटा, मैं कॉल सुन रही थी, मैं बोल नहीं रही थी, आप लोग इतनी जल्दी जल्दी मैसेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, विड्थ हमारे पास थी 1 बाय 2 एंड द राइट एंड पॉइंट्स आर, हमारे पास जो राइट एंड पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अगर एन 6 है और हमारे पास स्मॉल से अपर लिमिट 0 से 3 है, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 3 तक मूव करने के लिए हमारे सब इंटरवल्स क्या होंगे? 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5 और 2.5 से आप 3 पे जाएंगे, ठीक है? तो उसको देखते हुए हमारा जो पहला राइट एंड पॉइंट है वो क्या होगा? 0 से 0.5, ये हमारा राइट एंड पॉइंट है जहां पे वो टच कर रही है कर्व, ओके? सो एंड द राइट एंड पॉइंट्स 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एंड 2.5 एंड एक्स 6 जो है वो हमारे पास क्या होगा? 3.0। सो द रिमानियन सम इज आई फ्रॉम 1 टू 6 एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स सब पे गिवन है, जो कि हमारे पास पीछे क्या था? 1 बाय 2 था, 0.5 था, यस 1 बाय 2 था। टैप इनटू 0.5 पे जाएं, 0.5 पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, 1.5 पे करें सारी वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है? 0.5 पे वैल्यू फाइंड की तो फिर 1 पे फाइंड की, ये है 1.5 पे ये वैल्यू आ रही है, 2.5 पे ये आ रही है, ये आपने खुद कर लेनी है कैलकुलेटर, ठीक है? कैलकुलेटर से अभी करके बेशक देख लें। सो उसके बाद हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड पॉइंट को यूज करते हुए जो रिमानियन सम आ रहा है वो बेसिकली क्या है? -3.9375 है।
क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब ये भी आपको पता होगा कि कैसे बनानी, क्योंकि हमारी कर्व, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन की कर्व क्या है। हमारे फंक्शन की कर्व जो है वो इस फॉर्म में जा रही है, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में जा रही है तो हमने चूंकि राइट एंड पॉइंट यूज करने हैं, तो हमने जो भी ट्रायंगल बनानी है वो हमारा राइट पॉइंट जो है उसको टच करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर दूसरी ट्रायंगल 0.5 का डिस्टेंस लेके बनानी है तो उसका भी राइट पॉइंट टच करेगा, तीसरी बनानी है तो उसका राइट पॉइंट, फिर यहाँ पे बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस जो है वो बनाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पीछे ये भी देखा था कि जो हमारा अबव फॉर्म एरिया होता है उसको हम A1 का नाम दे दें, और इस एरिया को अगर हम 2 का नाम दे दें तो A1 में से हम A2 एरिया जो है वो माइनस कर देते हैं। अब हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो जस्ट ये है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप A1 नाम दे सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है इनको हम A2 का, इस एरिया को A2 का नाम देके हम उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। Note that f is positive function and so the Riemannian sum does not represent the sum of areas of a rectangles, but it does represent the sum of areas of the blue rectangles. उसने कहा कि हमारे पास जो f है वो positive function नहीं है, so जो Riemannian sum है does not represent the sum of areas of rectangle. जो Riemannian sum है हम वो ये नहीं कहते, जब positive functions होता था तो हम कहते थे कि ये जो Riemannian sum है basically ये area of rectangles है, but it does represent the sum of areas of the blue rectangles. Above the x-axis minus the sum of the areas of the gold rectangles. इसका मतलब ये है इस Riemannian sum का कि हमने जो पॉजिटिव से नेगेटिव एरिया है वो माइनस कर दिया है इन फिगर नंबर 5. ओके, नेक्स्ट बी हमारा पार्ट था वो क्या था कि हमने इवैल्यूएट करना था इंटीग्रल 0 से 3 x3 - 6 x dx. सो व्हेन n सब इंटरवल्स वी हैव यहां पे ओके बी ओके When n sub intervals, we have that x b minus a over n 3 by n, so x naught हमारे पास जी बेटा क्या मैसेज है आपका? बेटा ये क्वेश्चन ना बार बार अटेंडेंस होगी कि नहीं होगी, ये आप लोग ना एक दो टाइम पे आ करें, दूसरे ये बार बार मैसेज ना करें, मुझे डिस्टर्बेंस होती है आप लोगों की, ओके। अगर किसी ने अटेंडेंस का पूछना है तो जी आपको प्राइवेट मैसेज करके पूछ लिया करें। यस ओके अच्छा जी, यहाँ पे जो बी पार्ट्स में हमारे पास उसने एन गिवन नहीं दिया, विद एन सब इंटरवल्स वी हैव डेल्टा एक्स बी माइनस ए ओवर एन 3 बाय एन, सो एक्स नॉट 0, एक्स 1 जो है वो आपके पास 3 बाय एन होगा, एक्स 2 जो है वो 6 बाय एन होगा, सेम एज इट इज जैसे आपने एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 पीछे फाइंड किए थे, एक्स 1 ए प्लस डेल्टा एक्स, एक्स 2 आपने ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, एक्स 3 ए प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड अप टू सो ऑन, ए की वैल्यू जो आपके पास गिवन थी दैट इज 0, मेरा ख्याल है 0 गिवन थी, वो फाइंड करेंगे, उसके बाद आप अपनी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट, एंड इन जनरल एक्स आई 3 आई ओवर एन, सिंस वी आर यूजिंग राइट एंड पॉइंट्स वी कैन यूज थ्योरम 4. थ्योरम 4 जो भी था राइट एंड पॉइंट के साथ उसने कहा वो हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर पहले एक पार्ट में भी हम राइट एंड पॉइंट्स की कंडीशन जो है वो यूज कर रहे थे. अब 0 से 3 x क्यूब माइनस 6 x dx जो है अगर हमने फाइंड करना है तो हम इसको Riemannian sum की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट i फ्रॉम 1 से n f of x i डेल्टा जी. आपको दिए थे? नहीं, मुझे नहीं दिए आपने.
ओके जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, आई फ्रॉम 1 से एफ इनटू एक्स आई बिलीव। मैम यहाँ पे लेफ्ट एंड पॉइंट्स भी तो यूज कर सकते थे ना, मुझे इनने राइट ही क्यों यूज की है यहाँ पे इस एग्जांपल बी पार्ट में? दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको जब गिवन नहीं दी, लेकिन चूंकि उसने ए पार्ट में वो कंडीशन यूज कर ली है, तो वो उसी को लेके आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। मैम ए में तो उसने कंडीशन दी है, बी में उसने कोई कंडीशन भी नहीं दी। चलो देखते हैं कि क्या कंडीशन यूज कर रहा है, एक मिनट मुझे जरा इसको स्टडी भी कर लो मैंने। अच्छा, यूजिंग राइट एंड पॉइंट्स वी कैन यूज थ्योरम 4, थ्योरम 4 की तरफ जाना है। राइट उसने बता दिया ना कि सर ये कंडीशन वो लगा रहा है कि सिंस वी आर यूजिंग राइट एंड पॉइंट्स, हम राइट एंड पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, तो हम उसी को लेके आगे फॉलो कर सकते हैं। चलो आपके पास कंडीशन गिवन नहीं है, तो अगर जरूरी नहीं है आपने हमेशा राइट एंड पॉइंट ही यूज करना, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर सैंपल पॉइंट्स जो है उसने ए में गिवन कर दिए थे कि ये हमने जो देने हैं राइट एंड पॉइंट्स ही देने हैं, वो उसी को लेकर फर्दर प्रोसीड कर रहा, ठीक है। आप अगर गिवन नहीं दिया जाता गिवन नहीं है, डेफ बी पॉइंट की आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो फिर आपकी चॉइस है, आप लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट दोनों के साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन नजदीक ही आएगी, राइट हैंड पॉइंट करेंगे तो थोड़ी सी ग्रेटर आ जाएगी, और अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट करते हैं तो थोड़ी सी लेस आती है, वो भी तो अप्रोक्सीमेशन है ना आपके पास, ठीक है। ओके मैम, ओके। अब जो कि ये थ्योरम 4 जो है ना, वो बेसिकली उसने डिफाइन भी इस तरह से किया, राइट हैंड पॉइंट के लिए ही यूज किया, वो एक्स आई की बात करता है ना, वो एफ इन टू एक्स आई, तो अगर वो लेफ्ट हैंड पॉइंट की बात करता तो उसने आई माइनस वन की कंडीशन यूज करनी थी, तो ए पार्ट में जो कि उसने कह दिया कि वो राइट हैंड पॉइंट है, तो उसने फिर उसी को फर्दर प्रोसीड किया। ओके ओके मैम, सो समेशन आई फ्रॉम 1 से n f इनटू 3 i ओवर n, 3 ओवर n, डेल्टा एक्स हमारे पास 3 ओवर n ही है। ओके, अब फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 6x, तो अब एक्स क्यूब माइनस 6x वहां पे वैल्यूज पुट कर दे, 3 i ओवर n क्यूब माइनस 6 इनटू 3 i ओवर n, ये 3 ओवर n जो है ये आप बाहर कॉमन ले लेंगे। आपने पीछे देखे थे अभी कल की क्लास में, मैंने कहा था कि इनको याद कर लीजिए, तो आपको फॉर्म से पता होना चाहिए कि अगर आई क्यूब का समेशन है तो ये किस फॉर्म में ओपन होता है, -54/(n^n+1)/(2). ये साथ साथ वो बता रहा है कि हम कौन कौन सी इक्वेशन जो है। जी मीना अफजल, क्या है क्वेश्चन आपका? जी बेटा क्या क्वेश्चन है? ओके, इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन वी मूव ऑन नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ से स्क्वायर को आपने ओपन कर लेना है, एन स्क्वायर यहाँ पे जो एन स्क्वायर होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एन स्क्वायर रह जाएगा, वो एन स्क्वायर जो है इस एन प्लस वन स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व होने के बाद आपको ये वैल्यूज जो है वो दे देगा, और देने के बाद आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन आ रही है दैट इज -6.75 आ रही है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो हमने जब सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स की ग्राफिकल अप्रोच दी है, तो जो पॉजिटिव एरिया है वो हमारे पास उसमें से जो हमारे पास ब्राउन कलर का एरिया है वो उसमें से नेगेटिव हो रहा है, तो जो हमारा रिमानियन सम है वो बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैल्यूज है, उनके डिफरेंस की बात फाइंड आउट हो रहा है, दैट इज -6.75। द इंटीग्रल कैन नॉट बी इंटरप्रेट एज एन एरिया बिकॉज इट टेक्स ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, सो यहाँ पे अगेन वो यही बात कर रहे हैं कि हम इसको नहीं ले सकते रेक्टेंगल्स के फॉर्म में, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यूज जो है उनको माइनस कर रही है, बट इट कैन बी इंटरप्रेट एज द डिफरेंस ऑफ एरिया -A2 अप्रोच करवाया है। यहाँ पे तो n हमने 6 डिस्कस किया था, n को मजीद एक्सटेंड किया है 40 पे, 100 पे, 500 पे, 1000 पे, 5000 पे जाके उसने कहा
ये हमें वो तकरीबन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो दे रहा है, यहाँ अप्रोचिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -6.75। तो जितनी हम अपनी पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया के अंदर अपनी रेक्टेंगल जो है उनको इंक्रीज करते जाएंगे उतना हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसके नजदीक चले जाएंगे। नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंट है -6.75, लेकिन उसने -6.7 को ही कंसिडर किया है और ब्रोज का रचने का तकरीबन हमारी एग्जैक्ट वैल्यू को, ब्रोज का मतलब यही है कि अभी भी हमारे पास 7 के बाद थोड़ा सा डिफरेंस है 7.5 से 7.47 का। सो इतना डिफरेंस हमेशा ही मौजूद रहेगा क्योंकि हम एग्जैक्ट एरिया फाइंड कर ही नहीं सकते इन शेप का, हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स के थ्रू ही अपना सारा एरिया जो है उसको कवर करते हैं। सेट अप एन एक्सप्रेशन फॉर 1 to 3 e^(x) एज द लिमिट ऑफ द सम। Use the computer algebra system to evaluate the expression. Computer algebra system को use करते हुए आपने अपना expression जो है उसको evaluate करना है। So हम इसको सिर्फ discuss कर सकते हैं, बाकी जो expression की value हमने find out करनी है B part में वो हमारा system ही हमें बताता है, वो हम directly calculate नहीं कर सकते। A part में हमने जो expression है integral का वो देना है, the limit of sum, Riemannian sum की limiting value की form में देना। पहले तो हम Riemannian sum find करेंगे, फिर उसकी limit जो है उसको find out करेंगे इस integral को use करते हुए। Here we have f(x) equal to e^(x), हमें जो function given दिया है वो हमें पता है कि e^(x) है, ये हमें जो given दिया है वो 1 है और जो b हमें given दिया है वो 3 दिया हुआ है। delta x हम find out करते हैं b - a/2/x। So अब हमारे पास e^(x) जो है उसकी graphical approach जो है उसको हम देखें तो ये है, हमने जो basically area find करना है वो 0 से area find करना, no doubt कि हमारा expression जो है वो 0 या 0 से आगे एक्सीड कर रहा है, लेकिन हमें एरिया फाइंड करने का कहा गया वो 1 से 3 के दरमियान हमने फाइंड करना जो कि ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। सो एक्स नॉट हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, नॉट 0 ही आपने ध्यान में रखना है क्योंकि हम हमारी लोअर लिमिट जो है वो 1 है और हमारी जो अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट है वो 3 है। 1 से 3 तक हमने जाना है, एक्स नॉट आपके पास 1 है, एक्स 1 जो है वो 1+∆x है, ए प्लस डेल्टा एक्स बेसिकली, ओके, और ये जो हमारे पास गिवन है वो 1 है, उसमें डेल्टा एक्स को ऐड, एक्स 2 1+∆x, एक्स 3 1+∆x, एंड जनरली हमने जो फाइंड किया एक्स आई 1+∆x, आई डेल्टा एक्स, तो 2i/n हो जाए। फ्रॉम थ्योरम 4 अगेन हमने थ्योरम 4 ही यूज करना है, 1 से 3 e^(x) dx की मॉडर्न अप्रोचेस पे आते हैं, di फ्रॉम 1 से f into xi डेल्टा एक्स। तो एज इट इज यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दे, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1+2i/n आ जाएगी, 2/n जो है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। हमने अपने इंटीग्रल को वैल्यूएट करना था इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रिमेनियन सम, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा एक्सप्रेशन हमने कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम के साथ फाइंड करना है, तो हम उसको एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हुई है, इफ वी आस्क द कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम टू एवेलुएट द सम एंड सिंपलीफाई, वो ये पेन उसने कहा है कि अगर हमें कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम कहा जाता है इस सम को एवेलुएट करने के लिए और सिंपलीफाई करने के लिए, तो ये पेन आई फ्रॉम 1 से n, ये जो सम है ये कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम पे किसी ना किसी सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपके पास इस फॉर्म में ओपन हुआ है। ठीक है, आप जस्ट उसमें क्या किया है, इस इंटीग्रल को वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास जो लिमिट कीमत थी और जे 2/n कीमत था, उसके बाद ये जो समेशन है उसमें उस अलजेब्रा सिस्टम की उसने वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। नो डाउट कि आप यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिट फॉर्म से पुट करते हो तो देखें e^2/∞ है, e^0 और e^0(1) होती है, तो 1-1 और ऊपर भी आपके पास कंडीशन जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में जा रही है। यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए लॉपिटल रूल यूज करके उसने अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट किया है। अगर डायरेक्ट होती है तो वेल, लेकिन नहीं हो रही, आप उस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं उतने टाइम उसका डेरिवेटिव लेंगे जब तक हमारे पास सॉल्वेबल फॉर्म जो है वो नहीं बन जाता। मैम एग्जाम्पल नंबर 4 है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय इंटीग्रेटिंग ईच इन टर्म्स ऑफ एरियाज। a given है 0 से 1 1-x² dx और जो b given है वो है 0 से 3x - 1 dx। evaluate the following integrals, in integral को evaluate करना है by interpret each in terms of areas, areas की form में इनको interpret करना है। okay, अब ये जो 1 minus x
स्क्वायर है बेसिकली, इसको हम, ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, मींस ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें जो गिवन दिया हुआ है वो ये है कि हमने जीरो से वन मूव करना है, हमारी जो लोअर लिमिट है वो जीरो है और जो हमारी अपर लिमिट है वो वन है। ओके, अब जब हम जीरो से वन, हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास वन है और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है, तो इसका यही मकसद है कि जीरो से स्टार्ट करके वन तक पहुंचे हैं और हमारे पास सिर्फ जो कंडीशन आ रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आ रही है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम अपना कंडीशन जो है उसको मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आंसर देगा, या ये जीरो है या ये जीरो से ग्रेटर है। अगर जीरो से ग्रेटर है तो वन की कंडीशन के साथ ही आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव करेगा। वी कैन इंटरप्रेट दिस इंटीग्रल एज द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू वन, हम इसको जीरो से वन तक डिस्कस करेंगे। और ये चूंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का एरिया आपको क्लियरली पता होता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर हमें पूरे सर्कल का एरिया पता है, हमने उसमें से सिर्फ वन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके एरिया को फाइंड आउट करना है। बट सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, विच शोस दैट द ग्राफ ऑफ एफ इज द क्वार्टर सर्कल। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है विद रेडियस वन है। इंक्लूजन देयरफॉर जीरो से वन वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बनती है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये सिर्फ क्वार्टर पार्ट है। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और आर यहाँ पे वन भी बने हैं, और अगर फोर में से हमने सिर्फ वन का पार्ट करना तो हम इसको फोर पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर जो है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज पाई बाय फोर। क्लियर स्टूडेंट्स? आपने जीरो से थ्री पे फाइंड किया, मीन जीरो पे उसकी वैल्यू जब देंगे थ्री पे, जब हम थ्री इसके अंदर पुट करते हैं या जीरो पुट करते हैं, जब जीरो पुट करते हैं तो माइनस वन आंसर आता है, तो ये माइनस वन से स्टार्ट होगी और जब हम एंडिंग पॉइंट थ्री पुट करते हैं तो थ्री माइनस वन की टू तक जा रही, तो ये यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह जब आप यहाँ पे जीरो वन पुट करते थे तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ बन रहा था, इसी तरह ये लाइन जो है जब आपने मिनिमम पॉइंट पुट किया है तो माइनस वन है, और जब आप मैक्सिमम पॉइंट पुट कर रहे हैं तो ये आपकी कहाँ तक मूव कर रही है, टू तक मूव कर रही है। तो ये लाइन हमारी जो बन रही है वो बेसिकली माइनस वन से टू तक है। The graph of y equal to x minus 1 is the line with slope 1. ये ऐसी लाइन है जिसका स्लोप जो है वो 1 है। स्लोप फाइंड आउट करने का पता है आप लोगों को? Yes ma'am. Yes ma'am. फाइंड करके पता है कि क्या स्लोप 1 ही आ रहा है इसका? जी मैम 1 ही है। Okay. Yes ma'am. We compute the integral as the difference of the areas of two triangles. अब ये आप देख सकते हैं कि अगर उसको हम थ्री से ज्वाइन करते हैं या जीरो से माइनस वन की तरफ अपनी कंडीशन जो है ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। सो वी कंप्यूट द इंटीग्रल एज द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स ए वन और माइनस ए टू। ए वन जो है वो आपके पास क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वन बाय टू बेस क्रॉस हाइट। सो जो बेस है आपकी यहाँ पे वन से थ्री, थ्री माइनस वन टू आ रही है, मीन्स डेल्टा एक्स जो है वो आपका क्या आ रहा है, टू आ रहा है, या उसको बेस कह सकते हैं आप, सिर्फ वो टू है, और जो हाइट है वो भी जीरो से टू तक जा रही है इसकी, तो टू पॉइंट टू। इसी तरह माइनस दूसरी ट्राइंगल वन बाय टू इन टू, उसकी जो बेस है वो जीरो से वन के दरमियान वन बन रही है और हाइट जो है वो भी उसकी वन है। क्लियर है? हाइट तो मैम माइनस वन नहीं है। यस मैम। नो नो, ये पॉजिटिव ही कंसिडर होगी। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव कंसिडर, not negative. Okay? Okay ma'am, okay. उसके बाद मिड पॉइंट रूल है, इसको पढ़े और मुझे बताएं कि आपको मिड पॉइंट रूल के साथ एग्जांपल नंबर 5 जो है वो समझ आती है सारी। ओके, when we define the definite integral to bf of x dx, we implicitly assume that a is less than b. अगर हम ये assume कर लेते हैं कि जो ये है वो हमारे पास less than b है, but the definition as the limit of Riemannian sums makes sense even
if is a greater than b, note that if we reverse a and b, then delta x changes from b minus a to n to a minus b over n. Therefore, so in very simple term, if you're taking, agar aap isko simple se way mein lete ho, like this, अगर आपका ये पाथ है इसे बी की तरफ जा रहा है और अगर आप इसी पाथ को अपने को रिवर्स कर देते हो तो आपकी लिमिट चेंज हो जाती है. सो अगर लिमिट चेंज होती है तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो माइनस के साइन के साथ आपका हमेशा चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर आप बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपना पाथ डिस्कस कर रहे हैं और फिर अपना रिवर्स प्रोसेस की तरफ अपनी लिमिट में जाते हो वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ चेंज होगी. इफ ए इज इक्वल टू बी then delta is equal to zero. So अगर हमारी लोअर और अपर लिमिट जो है वो इक्वल हो जाती है तो डेफिनेट ए माइनस ए जो है वो आपको delta x डिफरेंस खत्म हो जाता है. इंटीग्रल का आंसर आपके पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. अगेन कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ इंटीग्रल, सेम दीज प्रॉपर्टीज आर डिस्कस इन द सेम वे एज इट अप्लाई ऑन डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में हम कहते थे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज बाहर मौजूद होता है, जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है. तो सिमिलरली जो इंटीग्रल है वो भी सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, कांस्टेंट हमारा एज इट इज मौजूद रहेगा, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट. ओके, उसके बाद है सम ऑफ टू फंक्शंस. अगर दो फंक्शंस का सम है तो हम कहते थे कि उनका सेपरेट जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास सम के बाद डिस्कस हो सकता है. सेम ये प्रॉपर्टी हमारे इंटीग्रल के ऊपर सेटिस्फाइड है. ओके अच्छा, ये अच्छा पहली प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में हम कांस्टेंट की डेफिनेशन देते हैं कि कांस्टेंट एज इट इज बाहर आता है और फंक्शन पे इंटीग्रल अप्लाई होता है. ये हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है. अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तो हमारे पास लिमिट जो है वो बी माइनस ए की फॉर्म में ही ओपन होती है. ये डिफरेंस है आपका वन और थ्री प्रॉपर्टी के अंदर. वन प्रॉपर्टी में आपका फंक्शन ही कांस्टेंट है और थ्री में अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हो रहा हो तो कांस्टेंट एज इट इज हमारे पास बाहर आ जाता है और इंटीग्रल जो है वो सिर्फ हमारे फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है. ओके, सेम जैसे हमने सम प्रॉपर्टी डिस्कस की है वैसे ही हमारी जो डिफरेंस की प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस होती है अगर साइन जो है नेगेटिव हो. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपने पहले डेरिवेटिव के ऊपर पढ़ी हुई है. ये उसने थोड़ा सा प्रूफ किया हुआ उस प्रॉपर्टी का, जरूरत नहीं है इसको प्रूफ की लेकिन देख भी सकते हैं. अगर आप प्रूफ करना भी चाहते हैं तो वो इंटीग्रल को रिमानियन सम की फॉर्म में ले जाता है. ये आपके पास ए सी बी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स है रिमानियन सम की फॉर्म में. अगर हम इसको लिखें तो ये कैसे लिखा जाता है लिमिट देख लिया होगा. रिमानियन सम के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है. लिखने के बाद चूंकि लिमिट जो है वो हमारे पास हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लिमिट है वो फंक्शंस पे सेपरेट फॉर्म में अप्लाई हो जाती है अगर सम के फॉर्म में हो, तो हमने लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे यूज की है. यूज करने के बाद ये आपके पास इंटीग्रल सेपरेट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. ठीक है, सो सेम एज इट इज. अगर बहुत इजी प्रूफ है, ये प्रूफ थोड़े से मेरा ख्याल सेकेंड ईयर की बुक में भी कहीं आपके मौजूद होंगे. एग्जाम्पल है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल टू इवैल्यूएट 0 से 1 4 plus 3 x square dx. यूजिंग प्रॉपर्टी 2 एंड 3 ऑफ इंटीग्रल्स वी हैव 0 से 1 4 plus 3 x square टू और फोर थ्री प्रॉपर्टी. टू प्रॉपर्टी हमारे पास सम था दिस, ये आपके पास सेपरेट फॉर्म में ओपन होगा. थ्री प्रॉपर्टी ये थी कि कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा आपका. प्रॉपर्टीज हम एट अ टाइम यूज करेंगे. पहले हमारे पास सम है तो सम पे हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली सेकेंड. उसके बाद इसके ऊपर आपने थर्ड प्रॉपर्टी यूज करके कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया और फंक्शन के ऊपर सिर्फ हमारा इंटीग्रल जो है वो अप्लाई होगा. वी नो फ्रॉम प्रॉपर्टी वन दैट प्रॉपर्टी वन हमारे पास क्या थी कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो तो हमारे पास जस्ट ये लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जो है वो माइनस हो जाती है 4 इनटू बी माइनस ए इक्वल टू 4. एंड वी फाउंड एन एग्जांपल नंबर 5.1.2 दैट ना भी उस एग्जांपल का आप रेफरेंस दें तो 0 से 1 x स्क्वायर dx इंटीग्रल आपको पता है किस तरह से ओपन होगा. x क्यूब ओवर 3 की फॉर्म में ओपन होगा. उसके बाद आप इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा. ठीक है, दोनों आंसर जो है उनको ऐड कर लें तो ये आपके पास रिजल्टिंग आंसर है इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स अस हाउ टू कंबाइन इंटीग्रल्स ऑफ द सेम फंक्शंस ओवर एडजेसेंट इंटरवल्स के ऊपर हम अपने इंटीग्रल्स जो है उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन है, ए से बी इंटरवल के ऊपर है.
तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं दो इंटरवल्स में अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए। तो पहले हमने ए से सी पे उसको डिस्कस किया, उसके बाद सी से बी के ऊपर जो है उसको डिस्कस किया है। तो आपका इंटरवल जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, ये प्रॉपर्टी भी हम आगे जो है वो यूज करेंगे। दिस इज नॉट इजी टू प्रूव इन जनरल, इसको प्रूव करना उसने कहा जनरल फॉर्म में इजी नहीं है, बट फॉर द केस व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो हो, जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, एंड ए लेस देन सी, सी लेस देन बी, जो सी है वो ए और बी के दरमियान मौजूद हो, प्रॉपर्टी 5 कैन बी सीन फ्रॉम द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इन फिगर नंबर 15 में। उसने कहा कि हम इसको सिर्फ ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि ए से बी इंटरवल के दरमियान अगर हमारा पॉइंट सी मौजूद हो तो हम अपने इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द एरिया अंडर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस द एरिया ऑफ सी टू बी इज इक्वल टू द टोटल एरिया। अगर आपने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो अपने टोटल एरिया को आप दो पार्ट में, जरूरी नहीं है सिर्फ दो में, आप तीन में भी कन्वर्ट करके ए से दरम्यान में अगर आप सी वन पॉइंट ले लेते हो, सी टू पॉइंट ले लेते हो, तो आप अपना एरिया जो है उसको सम अप कर सकते हैं ए से सी वन, सी वन से सी टू पे और सी टू से फर्दर बी पे। तो ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ दो पार्ट्स के लिए नहीं है, आप इसको फर्दर 3-4 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे हायर लेवल पे, या के ये प्रॉपर्टी जो है इसकी एक्सटेंशन मौजूद है। एग्जांपल नंबर 7 है, इफ इट इज नोन दैट 0 टू 10 एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 17 एंड 0 टू 8 एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 12, फाइंड ए टू 10 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर ये गिवन हो कि 0 से 10 इंटरवल पे फंक्शन जो है वो 17 गिवन है और 0 से 8 इंटरवल पे फंक्शन जो है वो 12 गिवन है, तो हमने 8 से 10 इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। मींस हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो यूज करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8 टू 10 इंटरवल को हम ब्रेक कर रहे हैं दो इंटरवल्स के अंदर। ओके, सो बाय प्रॉपर्टी 5 वी हैव, अगर प्रॉपर्टी 5 को यूज करें तो हम कह सकते हैं कि 0 से 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 8 टू 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 8 में से 8 जो है वो माइनस हो जाएगा, आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा, 0 से 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो क्लियर है ना स्टूडेंट्स? यस मैम, यस मैम, yes ma'am। इस प्रॉपर्टी का बेसिक पर्पस ये होता है कि जब आप अपने इस इंटीग्रल्स को ओपन करते हैं तो जो अपर लिमिट है ना उसमें से ये वाली लोअर लिमिट माइनस हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है हमेशा, ठीक है। तो रह सिर्फ कौन सी जाती है, ए से बी वाली, जो सी वाली होती है वो हमेशा कैंसल आउट हो जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को उसने यूज किया है इन फंक्शंस के ऊपर, वो बता रहा है कि 0 से 8 अगर आपका फंक्शन है, 8 से 10 अगर हम एक इंटीग्रल ले लें तो 8 में से 8 कैंसल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 0 से 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स रह जाएगा। सो इसी कंडीशन में से अगर हम ए टू 10 को इसी साइड पर रखें और इसको लेफ्ट राइट साइड पर ले जाएं तो 0 से 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और हमने अपनी जो डिजायर्ड वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, ऊपर अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज उसने कहा है हमने डिस्कस की है, प्रॉपर्टी 1 टू 5 आर ट्रू वेदर ए इज लेस देन बी इज इक्वल टू बी आर ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाइड है अगर ए बी से लेस हो, अगर बी ए जो है वो बी से ग्रेटर हो जाए, मींस उसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाए, या ए इज बी से इक्वल हो, तो तीनों फॉर्म में हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाइड थी। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन विच वी compare sizes of functions and sizes of integrals are true only, next property जो है जिसमें उसने कहा है कि हमने functions के sizes को compare करना है और integral के sizes को फिर functions के sizes को हम किस तरह से compare करते हैं, आपने पीछे maximum और minimum पढ़े होंगे कि कहाँ पे function की maximum value exist करती है, कहाँ पे functions की minimum value exist करती है, कहाँ upper bound है, कहाँ lower bound है, तो ये properties हमारी उसी वक्त satisfied होती हैं अगर a जो है वो b से less हो या उसके equal हो। So, comparison properties of an integral हमारे पास क्या है, if f of x is greater than equal to 0 for a less than equal to b, then means अगर function greater than 0 है less than b के लिए तो उसका integral b greater than 0 होगा, condition यही होगी कि a जो है वो b से less है। सेकेंड है, अगर फंक्शन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ग्रेटर है उसके बाद आप उन दोनों फंक्शंस के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देते हो, डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई कर देते हो, तो फिर भी इंटीग्रल वैल्यू जो है एफ की वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ जी से ग्रेटर ही रहेगी या उसके इक्वल रहेगी। थर्ड कंडीशन है, इफ एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड वेयर एम रिप्रेजेंट इज लोअर बाउंड एंड कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड,
इफ फंक्शन लाइज बिटवीन स्मॉल एम टू कैपिटल एम फॉर ए लेस देन इक्वल टू बी, तो उस फंक्शन पे इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास जो फंक्शन है वो अपनी लोअर और अपर बाउंड के दरमियान उसी कंडीशन के साथ मौजूद रहेगा। सो यहाँ पर हमने तीनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई किया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे जब अपन इंटेग्रल अप्लाई करोगे ना इस एम के साथ, तो वो इंटेग्रल सॉल्व होने के बाद आपको बी माइनस ए ही आंसर देगा, क्योंकि एम एक कॉन्स्टेंट है ना। पीछे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉन्स्टेंट के साथ इंटेग्रल अप्लाई हो तो इसी तरह के फॉर्म में ओपन होता है ना स्टूडेंट्स। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। छोटी बातें साथ साथ ध्यान में रखा करें, ये कहीं से उड़ के नहीं आता बल्कि ये सॉल्व होने के बाद ही आता है। ये इसके साथ इन्वॉल्व रहा, इनके साथ भी इन्वॉल्व आप सिंपल फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि पीछे हमने इसको कांस्टेंट फंक्शन के साथ सॉल्व करके बता दिया था कि m into b minus a फॉर्म में है, तो ये आपका m into b minus a फॉर्म में ही मौजूद रहेगा। मैम ये दोबारा बता दे एट वाला। हम ये कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रल का, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो, बस एट वाला बता दे। ओके, एट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई फंक्शन अपनी लोअर और अपर बाउंड के दरमियान हो, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस फंक्शन की लोअर बाउंड जिसको हम मिनिमम कहते थे और ये जो अपर बाउंड है जिसको हम मैक्सिमम कहते थे, अगर हमारा पूरा फंक्शन अपनी लोअर और अपर बाउंड के दरमियान मौजूद हो, तो उस पे इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद भी वो अपनी लोअर और अपर बाउंड के दरमियान ही मौजूद रहेगा। ओके ओके मैम, अच्छा जी। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी एट, एट प्रॉपर्टी का उसने यहाँ प्रूफ दे दिया है कि कैसे करनी है। सिंस दिस ये आपके पास गिवन है, आपने क्या कि ये अच्छा जो चीज अभी मैं आपको बता रही थी इसी का प्रूफ है, ठीक है, समझ आ गई ना। तीनों पे इंटेग्रल अप्लाई कर दिया, इस इंटेग्रल को उसने ओपन कर दिया, ये एज इट इज रहने दिया और ये भी ओपन कर दिया, तो ये आपके पास इंटेग्रल अप्लाई होने के बाद ये प्रॉपर्टीज फॉर्म में ओपन होती है। ओके ओके मैम, ओके जी। प्रॉपर्टी एट इज यूजफुल व्हेन ऑल वी वांट इज अ रफ एस्टीमेट ऑफ द साइज ऑफ एन इंटीग्रल विदाउट गोइंग टू बॉदर ऑफ यूजिंग द मिड पॉइंट। ओके, यूज प्रॉपर्टी एट टू एस्टीमेट 0 टू 1 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर है वो जीरो से वन पे हमें क्या ग्राफिकल अप्रोच दे रही है। जीरो से हमने उसको स्टार्ट किया तो जीरो पे उसकी वैल्यू हमें जो मिली वो वन है, ठीक है। अब जीरो से वन तक जाते जाते जो हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच आ रही है वो ये है, ठीक है। ये स्मॉल एम है उसकी लोअर बाउंड है और ये कैपिटल एम है ये उसकी अपर बाउंड है। समझ आ गई ग्राफ की मैम? अपर और लोअर बाउंड कौन कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू जहां पर उसकी मौजूद होगी, ठीक है, जहां पर मिनिमम वैल्यू मौजूद होगी वो आपका स्मॉल है। ओके ओके मैम, ओके ओके जी। अब सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमने एस्टीमेट करना है अपने इस इंटीग्रल को। तो बिकॉज f of x is equal to e पर माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू 1, हम देख सकते हैं कि 0 से 1 पे ये डिक्रीज है क्योंकि 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद 1 की तरफ आते आते उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो चुकी है। So is the decreasing function on 0 to 1, its absolute maximum value is capital M, that is f into 0 equal to 1. Iski maximum value kahan pe hai? 0 pe hai, jo ke f into 0 hai aapke paas, capital M ke saath hum usko represent karte hain. Its absolute minimum value is M into f into 1. Iski jo minimum value humare paas hai, wo 1 ke upar appear ho rahi hai, that is e bar minus 1. Thus, by property 8, agar hum property 8 ko use karein, to मिनिमम वैल्यू एफ इंटू वन पे आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है? ई माइनस वन। ये किसकी इक्वल है? स्मॉल एम के इक्वल है। तो ई माइनस वन यानी कि एम इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए हमारे पास अपर प्रॉपर्टी वन थी, अपर लिमिट वन थी और लोअर लिमिट हमारी जीरो थी। तो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, ई माइनस वन इंटू वन माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू दिस इंटीग्रल एंड दिस वॉज लेस देन इक्वल टू वन। कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी? वन आ रही थी, वन माइनस जीरो। So e minus 1 is less than equal to 0 to 1 e minus x square dx less than equal to 1. Since e minus 1 को आप calculate करेंगे अपने calculator के ऊपर, तो ये approximation लेती है 0.3675. We can write that this integral lies between 0.367 and 1. Clear है? Yes ma'am.
ओके, तो अब पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं 5.3 की तरफ। पहले क्वेश्चन नहीं ना दिए हुए थे मैंने आपको? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, क्वेश्चन नंबर सेवन, एट, क्वेश्चन नंबर जितने मैंने आपने क्वेश्चन नंबर वन करना है, क्वेश्चन नंबर टू करना है, थ्री करना है, क्वेश्चन नंबर फोर करना है, फाइव करना है। मैम आई से वन टू थ्री फोर फाइव, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर नाइन, इलेवन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर 17, 19, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29, 31, क्वेश्चन नंबर 33, 35, 37, 39, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 47, 49, क्वेश्चन नंबर 50, 51, 51, करने वाले तो वैसे सारे क्वेश्चन है ये आपके, बहरहाल 55, 57, 63, 65, अच्छा जब आप कर लेंगे ना चैप्टर नंबर फाइव तो मुझे याद करवाना है ये जो एरिया प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको ये एरिया फंक्शन जो है डिस्कवर प्रोजेक्ट जो है, इनमें से मैं दो तीन क्वेश्चन आपको दूंगी जो आपके करने वाले हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है? वो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होगी। ओके जी मैम, याद करवा दीजिएगा मुझे, ये ना हो कि आप लोग याद ना करवाएं, वरना मैंने आपके सेशनल कार्ड देने आपके याद ना करवाया, ठीक है? ओके मैम जी मैम।
जिस तरह मीन वैल्यू थ्योरम कैलकुलस में काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप तो रोज कहते हैं काफी है, मैम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं, ज्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास तक अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है ना इसको एक दफा पढ़ लेना। जब आपने 5.1 5.2 अगर समझ ली है तो इसको करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने एक दफा खुद से पढ़ लेना है इसको सारे को, ठीक है? ओके मैम, सिर्फ ओके नहीं पढ़ना है, मैंने पूछना है क्या पढ़ा था, क्या समझ आई थी। ओके मैम, यस मैम।